तो गाइस जो भी लोग अपना वीडियो पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल पे नए हैं, फटाफट से एकदम शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर करना एकदम, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग ऐसे ऐसे प्लेसेस और विजिट करें और आप लोगों के लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहें। हेलो पब्लिक, सो वेलकम बैक टू द चैनल, सबका खूब सारा स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आज है 15 दिसंबर दिन मंगलवार, सुबह 7:00 समथिंग। बाकी बात यह है आज हम लोग जा रहे हैं सीता फॉल, देखेंगे वहाँ का माहौल, माहौल ठीक रहेगा तो आ जाएंगे, नहीं तो जोना फॉल जाएंगे। ठीक है, पिछले बार गए थे माहौल बहुत खतरनाक था तो हम वापस आ गए थे। बाकी हम लोग फिर से हमेशा की तरह बीस्ट के घर पे खड़े हैं, बीस्ट बाबू आएंगे, देखिए आ रहे हैं। हेलो लोंडो, क्या हाल चाल, बताओ फटाफट एकदम कैमरा में आ जाए, कैमरा में आ जाए इस ब्लॉग में। पिछले वाले ब्लॉग में देखे होगे लेकिन हमको तुम लोग पहचान नहीं पाओगे, पता नहीं क्यों, लेकिन इस ब्लॉग में तुम लोग पहचान जाओगे। आगे से इंट्रोड्यूस करते हैं टीम से, ये आदमी जो है यही है बीस्ट, इधर आइए कैमरा में आ जाइए फटाफट एकदम। ये है डीजे ग्रेनाइट जिसका गाना हम लोग इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। ये है हमारे सत्यम साहब, बहुत बड़े फोटोग्राफर है, आगे जाके बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने वाले हैं। बाकी बनेंगे नहीं हम लोग अपडेट करेंगे। पापा मानेंगे नहीं, पापा मान गए हैं, दो को कैमरा खरीद दिए हैं तो मानिए गए समझ लीजिए। बाकी ठीक है, देखते हैं आगे कार्यक्रम, तब तक के लिए एंजॉय। हाय गाइस, सो हम लोग पहुंच गए हैं नामकुम के पास, एक प्लेस है वहीं पे नामकुम टाटी सिल्वर रोड में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं झारखंड का फेवरेट डोसा खाने के लिए। रांची का बहुत ही फेमस आइटम है झारखंड का डोसा, आपको दिखाते हैं। वाह भाई, देख रहे हो डीजे ग्रेनाइट को, देख लो लोंडो। रुके हम लोग कुछ इंस्टाग्राम के लिए शूट्स करने के लिए, अब लेट्स सी क्या सीन होता है। लोंडे लगे हुए यहाँ पे, फुल फोटो शूट चल रहा है। और मेरे को ये मतलब ये गाड़ी देख रहे हो, इस गाड़ी पे एक आज स्टिल्स जब हम लेंगे तो क्या ही खतरनाक स्टिल्स आएगा। सुनो भाई लोग, तो हम लोग फिर से रुक गए हैं। ठीक है, चलने के साथ तुरंत रुक गए हैं, सोच के निकले थे और फिर रुक गए भाई, तुरंत सोच के निकले थे कि अभी थोड़े दूर बाद रुकेंगे, डायरेक्ट पहुंच के रुकेंगे, बट हमारे जो फोटोग्राफर साहब है उनकी नजरों में कुछ सुंदर सा दृश्य आ गया है तो वो रुक गए हैं और हमें भी रोक लिए हैं, और ये सुंदर सा दृश्य आपको भी दिखाएंगे हम लोग। तो ये रहा सुंदर सा दृश्य, पूरा सेट है, बीस बाबू जाके चढ़ गए हैं। हेलो बॉयज, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं। पहले ऐसा है कि पहले का सिनेरियो कुछ अलग था, पहले हम लोग आते थे इस रास्ते से और इधर को सीधा चले जाते थे हम, ये रोड बताने के लिए बस रुके, लेकिन अब ऐसा है कि अब पूरा सीन अलग है, अब आपको इस रोड से आना होगा, ये भाई गिम्बल, हाँ अब आपको इस रोड से आना होगा और ये रोड आपको सीधा ले जाएगा जो उधर है मेरे जस्ट सामने, आपको दिखाता हूँ। तो ये रास्ता है यहाँ से फुल नीचे है, पता नहीं आगे किस तरफ गया हुआ, नया नया बना हुआ रास्ता है, उतना से नया नहीं है, लेकिन वही हम आपको ये बताने के लिए रुके थे कि जब 6-7 साल पहले हम आए थे, 8 साल पहले, हाँ इतना डेवलप्ड नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा,
बाकी हम लोग पास पहुंचेंगे तो एग्जैक्ट बताएंगे क्या सिचुएशन है फॉल का। जैसे हमने बताया था सना फॉल के बारे में भी कि कितना फ्रेंडली प्लेस है वो या नहीं है, किस तरह के लोग वहाँ जा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और रुके हुए हैं आगे डीजे ग्रेनाइट और हमारे दोस्त सहपाठी आगे रुके हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनको और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे इसमें हॉल नहीं था, सॉरी हॉल बोल रहे हैं, हमारे गाड़ी में हॉर्न नहीं था। हाँ भाई हेलो, ये क्या सीन है, गाड़ी में हॉर्न नहीं, नीचे देखो भाई नीचे देखो, यहाँ देखो लौंडो गाइस, ये हॉर्न ही नहीं बज रहा है, पूरे रास्ते हम बिना हॉर्न का है, पूरा माहौल खराब एकदम, धीरे धीरे 30-40 उससे ज़रा भी स्पीड नहीं एकदम, हालांकि ज़्यादा स्पीड अच्छा भी नहीं होता है सेहत। हाँ मतलब फिर भी यार 50 तो चलना चाहिए ना गाड़ी, ब्रेक का भी वही हाल है गाइस, क्लच बन चुका है ब्रेक। पूरा जोना गांव है कह सकते हैं हम लोग, जो कि वाटरफॉल के आसपास विकसित है, देख सकते हैं आप लोग धान की खेती वेती हुई हुई है और बहुत सारा धान यहाँ पे पड़ा है। कहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, आप ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये एक रास्ता है, यहाँ एक सामने बोर्ड भी लगा हुआ है कि जोना फॉल राइट है, जोना फॉल एकदम यहाँ से जाते ही तुरंत आ जाएगा, और यहाँ पे भगवान बिरसा का जी का एक मूर्ति भी लगा हुआ है। यहाँ से लेफ्ट निकलेंगे तो अपना सीधा फॉल आएगा, सीधा फॉल काफ़ी सुंदर फॉल है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास अभी तक है। आपको सीता लैब्स तक, सीता फॉल तक का हम आपको टाइम लैब्स दिखाते हैं लौंडो, क्या कहते हो? ठीक बात है, चलो ठीक है आ जाओ। हाय गाइस, सो पहुंच गए हम लोग सीता फॉल के ऊपर जहाँ पे हमें पार्किंग का व्यवस्था मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया माहौल, बहुत ज़्यादा पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉशरूम बना हुआ है गवर्नमेंट का, स्कूटी पार्किंग के लिए व्यवस्था लग चुका है, जंगल तो है ही यहाँ पे हमेशा से रहा है, बाकी पूरा बहुत सारा व्यवस्था है यहाँ पे, मज़ेदार है। चलते हैं आगे का रास्ता दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं भी एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे, आप यहां अगर आइएगा तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये ऐसा जगह है कि आपका मन खुश हो जाएगा। आप मतलब बताना चाहेंगे कुछ कि अगर आपका ब्रेकअप वेकअप हो गया है, ये बहुत अच्छा जगह है, ये बहुत अच्छा जगह है उसके लिए। हाँ जी, तो आज हम लोग फिर से क्या, हम लोग बताया आपको जैसा कि पहुंच गए हैं सीता फॉल, अब यहाँ पे जैसे हम लोग सनम फॉल गए थे तो वहाँ पे खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त व्यवस्था है, दुकान वुकान मिल गया हमें, तो यहाँ पे आपको पानी वानी घर से नहीं भी लाए हो, भूल गए हो, तो यहाँ से आप ले सकते हो, क्योंकि नीचे लंबा चलना है तो पानी का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, खूब सारा खाने का व्यवस्था है यहाँ पे, खूब सारा भाई देखिए बहुत सारा है। बीज बाबू यहाँ से ले लिए हैं कुछ कुछ, और हम लोगों ने भी यहाँ पे चना वना के लिए बोला है, हमने चना खाएंगे यहाँ पे, और जब भी आए तो या किसी भी जगह जाएं तो लोकल जो भी सेलर्स रहे उनसे ज़रूर कुछ खरीदें, क्योंकि आपके आने से जो आप जो खरीद रहे हो उसी से उनका इनकम सारा बेस्ड रहता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, और यहाँ पे व्यवस्था है तो उसका फायदा उठाएं। हेलो एवरीवन, पहुँच चुके हम लोग सीता फॉल, एक्चुअली हम लोग जा रहे थे नीचे, तो ऐसा कि बीच में ही हम लोग ऐसा व्यू आया ना कि रुकना पड़ गया, अभी हम व्यू तो आपको दिखा सकते हैं, वेट गाइस डूड यू शुड टर्न लाइक दिस, जस्ट लुक एट दिस,
इट्स फॉलिंग फ्रॉम 200 फीट्स आई थिंक, इवन मोर देन दैट। अभी तक हम लोग पूरा नीचे भी नहीं गए गाइस, ये फुल सीढ़ी अभी तक फुल नीचे तक लेके जाएगा, अभी तक हम लोग पूरा नीचे भी नहीं गए, बट आप यहाँ से व्यू देखिए। और लौंडे यहाँ पे सेट कर रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। संभल नहीं रहा है लोगों से, देख रहे हो, हालात देख लो, हालात देख लो, संभल नहीं रहा लोगों से। खैर मुझसे भी एक गिम्बल संभल नहीं रहा है गाइस, अगले बार मैं सेल्फी स्टिक ले लूँगा, ईजी एंड बेस्ट। भाई ये खुद ब खुद घूम जा रहा है कहीं भी, हालात देख लो इसके। खैर ठीक है, व्यू देख लो आप लोग। गाइस चलते हैं नीचे का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, आ जाओ। हेलो बॉयज, तो पहुंच चुके हैं हम लोग नीचे, मतलब एकदम फॉल के पास है। हमको दिख रहा है फॉल, आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, दिखेगा भी थोड़ा, हमको एक दो दिन समय दीजिए, गिम्बल चलाने सीख जाएंगे तो जल्दी दिखाया करेंगे। वैसे आप ये फॉल देख सकते हैं बॉस, क्या ही ज़बरदस्त व्यू है, क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही खूबसूरत फॉल है। मतलब मैंने 15 मिनट बैठ के बस इस फॉल को देखा है और इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है ऊपर और इतना ज़्यादा खूबसूरत, मतलब गुड, इट्स टू ओपी ब्रो, इट्स टू ओपी, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है ये बताओ गाइस। गाइस मैं फॉल ही देखते रह जा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ कि आप लोगों से बात भी करनी है, बट डूड इट्स क्रेजी। लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं, मतलब आपको अभी दिखाएंगे। अच्छा डेवलप्ड हो गया, अच्छा हो गया यहाँ पे, और फॉल के करीब आप मतलब बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते, लाइक मतलब आप एकदम वहाँ तक तो नहीं जा सकते, कहाँ गया, इस जगह तक तो आप नहीं जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो अब हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं और इस जगह पे खड़ा रहना हमें ठीक नहीं लग रहा, तो तब तक के लिए सी यू गाइस। बूम, तो गाइज एक काफ़ी बड़ा, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुंदर फॉल घूमने के बाद बहुत लोग थके हुए थे, जरूर है, सबसे बड़ा बात बता, बहुत थक गए हैं, थक तो गए हैं लेकिन मज़ा आ रहा है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ताजगी है, अलग सा नशा है, अलग सा मज़ा है, ज़रूर आए आइए आप लोग एक बार, सीता फॉल ज़रूर आए। आप जोना फॉल गए होंगे, हुंडरू फॉल गए होंगे, सीता फॉल जैसा मज़ा कहीं नहीं है, सबसे ज़्यादा नेचुरल आपको लगेगा, प्लस हाइट बहुत ज़्यादा है तो मज़ा आने वाला है गाइस, प्लस ग्रीनरी तो चारों तरफ भरी हुई है। हालांकि रांची के आसपास जब भी आप निकलोगे तो ग्रीनरी मिल जाएगी, बट स्टिल सीता फॉल आने के लिए अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको डाउट है तो आप आएँ, ज़रूर आए। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने व्लॉग के एंड पे, अब बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे 5 मिनट के जैसा मैं, हमको लगता है यहाँ से निकल जाएंगे, और काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो व्यू है, मतलब एक बार जाते जाते भी ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए देख लें। और अंकित तो यहाँ बैठ गया, बोला कि थोड़ा देर के लिए बैठने दो, पूरा बैठ के भाई सॉर्टेड अपना चिल कर रहा है। तो गाइस जो भी लोग अपना वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अपने चैनल पे नए हैं, फटाफट से एकदम शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर करना एकदम,
जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग ऐसे ऐसे प्लेसेस और विजिट करें और आप लोगों के लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहें। खैर क्या बोले अब, खैर बाकी मेरे को पता है कि आप लोग मेरे को स्ट्रीम में मिस कर रहे हो अभी, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द शुरू करेंगे स्ट्रीम। मेरा पीसी बिल्डअप अभी ऑन द वे है, तो टेंशन नहीं है किसी चीज़ की जब है बाबा भोलेनाथ साथ में। ठीक है गाइस, चलते हैं। हर हर महादेव। बाय बाय गाइस, सी यू, टाटा, टेक केयर बॉयज़।